हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार संखवार, लेक्चरर, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन, एसआर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, सागर। मैं आप लोगों को ऑटोकैड के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा। ऑटोकैड ये सब्जेक्ट डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा आर्किटेक्चर, बी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब में एक बेसिक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। तो आइए, ऑटोकैड होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ये पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू और पार्ट थ्री भी मैं बताऊंगा। तो आज हमारा जो कंटेंट ऑफ प्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड, लेटेस्ट या करंट वर्जन क्या होता है, प्रोडक्ट टाइप क्या मिलते हैं मार्केट में ऑटोकैड के, डिजिटल और मैनुअल ड्राइंग क्या होता है, ऑटोकैड का मेन स्क्रीन का लेआउट कैसा दिखता है, टाइप्स ऑफ इनपुट कमांड, कमांड को इनपुट करने के क्या क्या तरीके होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, यूसीएस और डब्ल्यूसीएस कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑटोकैड के टूल बार क्या क्या होते हैं, 2D कमांड्स क्या है हमारे पास, 3D मॉडलिंग सिस्टम क्या होता है और 3D कमांड्स क्या होते हैं, और आइसोमेट्रिक 3D व्यू में कैसे कैसे कमांड इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के थ्रू माइनर और मेजर प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ऑटो जो कि ऑटोडेस्क जो कंपनी है यूएस की जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बनाती है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो ऑटोकैड जो है इन दोनों वर्ड से मिलके बना है। ऑटो जो कि लोगो का कंपनी है, लोगो ऑफ कंपनी ऑटोडेस्क का, और कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑटोकैड 2D और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ड्राइंग्स बनाए जाते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड ड्राइंग बनाए जाते हैं, डिजिटल ड्राइंग बोलते हैं जिसको। ये डेवलप किया गया था ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा, और ऑटोडेस्क कंपनी यूएस की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये पूरे इंडस्ट्री में 2D ड्राइंग और 3D ड्राइंग बनाने की सॉफ्टवेयर है जिससे डिजिटल ड्राइंग बनाई जाती है। ऑटोकैड एक डिजाइनिंग कोर्स है जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर के द्वारा ड्राइंग्स बनाते हैं। हम देख लेते हैं कि वर्जन क्या है ऑटोकैड के और किस तरह से वर्जन अभी तक आए हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सबसे पहले ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा 1982 में रिलीज किया गया था, और ये इंडिया में 1988 में आया था। तो सबसे पहले कंपनी ने जो वर्जन्स लॉन्च किए थे स्टार्टिंग में, उन वर्जन के नाम R1, R2, R3 के नाम से थे। और सन 2000 में, जब सन 2000 आया, तो कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर के वर्जन का नाम ईयर के नाम से रखना स्टार्ट किया। तो सन 2000 में जो सॉफ्टवेयर का वर्जन आया उसका वर्जन का नाम ऑटोकैड 2000 रखा गया। उसके बाद आने वाले सालों में ऑटोकैड के वर्जन 2000 के बाद 2001, 2 ऐसे ही आज के डेट पे 2020 ऑटोकैड का वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है ऑटोकैड का 2020 लॉन्च हो चुका है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। हर बार एक नया वर्जन कंपनी, हर साल एक वर्जन कंपनी रिलीज करती है, और नए वर्जन में पुराने जो भी डिफिकल्टीज रहती है उसको उसको खत्म करती है, और नया वर्जन में नए ऑप्शंस, नया सेटिंग्स या नया फंक्शंस जो भी है उसको डेवलप करके बना के लॉन्च करती है। तो लेटेस्ट वर्जन में अगर कोई भी डिफिकल्टी होता है पुराने वर्जन को, उसको खत्म कर देते हैं और नए वर्जन में नई नई चीजें डाल देते हैं। लेकिन पुराने वर्जन के जो टूल कमांड्स हैं, जो शॉर्टकट कीज हैं, वो यूनिक होते हैं, वो शुरू से वैसे ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। सिर्फ ग्राफिक्स और थोड़ा आइकॉन और स्क्रीन में थोड़ा सा अलग दिखता है नया वर्जन बस। अब हम जान लेते हैं कि डिजिटल ड्राइंग और मैनुअल ड्राइंग क्या होता है। डिजिटल ड्राइंग जो ऑटोकैड द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा बनाए जाते हैं उसको डिजिटल ड्राइंग कहते हैं। मैनुअल ड्राइंग जो हाथ से मैनुअली ड्राइंग शीट पे स्केल और टी स्केल पेपर पेंसिल में बनाए जाते हैं,
उसको मैनुअल ड्राइंग बोलते हैं। तो डिजिटल ड्राइंग और मैनुअल ड्राइंग में क्या क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। डिजिटल ड्राइंग जो कंप्यूटर द्वारा ऑटोकैड के थ्रू बनाए जाते हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और जो हम हाथ से बनाते हैं ड्राइंग मैनुअल ड्राइंग उसकी एक्यूरेसी थोड़ी 100% अचीव नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक होता है। ऑटोकैड मैनुअल ड्राइंग के अपेक्षा काफी कॉस्टली है। मैनुअल ड्राइंग में हमको ज्यादा कुछ खर्च नहीं आता है, हमको ड्राइंग शीट, पेपर, टी स्केल, स्केल्स, पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स ये चाहिए जिससे हम ड्राइंग बना सकते हैं। लेकिन ऑटोकैड के लिए हमको एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए और सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके लिए हमको काफी खर्च करना पड़ता है। ऑटोकैड में बनाए गए ड्राइंग ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफी इजी होते हैं। अगर हमको एक ड्राइंग को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो ईमेल के थ्रू रियल टाइम में हम भेज सकते हैं, तुरंत के तुरंत बहुत आसानी से कहीं भी हम एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन मैनुअल ड्राइंग जो हाथ से बनाए जाते हैं उन ड्राइंग को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए काफी टाइम लगता है। डिजिटल ड्राइंग को स्टोर करके रखना बहुत आसान है, कंप्यूटर में स्टोर करके हम बहुत आसानी से रख सकते हैं ड्राइंग्स को, और उसकी कॉपियां कितनी भी जगह सेव करके रखी जा सकती हैं। लेकिन मैनुअल ड्राइंग क्या होता है कि एक बार जब ड्राइंग शीट पे बन गया है तो उसको स्टोर करके रखने में लंबे समय तक के लिए काफी दिक्कतें आती है, क्योंकि ड्राइंग शीट जो होता है उसमें वेदर का इफेक्ट भी पड़ता है और उसको बार बार ओपन करने और खोलने से मोड़ने से वो थोड़ा फटने के भी चांसेस रहते हैं ड्राइंग शीट के, और उसका जो ड्राइंग उस पे जो हमने बनाया है पेपर पेंसिल से या कलर से उसके फेड होने के चांसेस भी धीरे धीरे होते हैं। डिजिटल ड्राइंग के लिए एक जो बात है उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक बैकअप का जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप होते हैं वो इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं, और मैनुअल ड्राइंग के लिए हमको इन सब की जरूरत नहीं है। हमको एक स्पेस चाहिए, हम वहां पे बैठ के ड्राइंग बोर्ड पे अपनी ड्राइंग शीट लगा के उस पर ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल ड्राइंग जो ऑटोकैड के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम एडिट इजिली कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक्स हमारी ड्राइंग में हो गई है तो उसको एडिट करना बहुत आसान होता है, जबकि मैनुअल ड्राइंग में अगर हमने ड्राइंग शीट पे कोई ड्राइंग बना ली है तो उसको एडिट करना आसान नहीं होता है। डिजिटल ड्राइंग में एक नुकसान यह है कि अगर हमारी फाइल हैवी हो गई है सॉफ्टवेयर में ड्राइंग की तो वो फाइल करप्ट भी हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज रहती है और वो फाइल हमारा फिर दोबारा ओपन नहीं होगा। बट मैनुअल ड्राइंग में ऐसा कोई भी ऑप्शन या ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं रहती। मैनुअल ड्राइंग में ड्राइंग शीट में हम ड्राइंग बना रहे हैं तो उसको ऐसा कोई करप्ट होने का चांस नहीं होता है। अब देख लेते हैं कि मार्केट में ऑटोकैड के कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। कंपनी जो है ऑटोडेस्क वो दो टाइप के वर्जन जो है सेलिंग के लिए मार्केट में लॉन्च करती है। एक होता है एलटी वर्जन जिसको लाइट वर्जन बोलते हैं, ऑटोकैड का लाइट वर्जन। ऑटोकैड एलटी इज द लोअर कॉस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड, ये ऑटोकैड का लोअर कॉस्ट वर्जन होता है विथ रिड्यूस्ड कैपेबिलिटीज। इसके फंक्शंस और टूल बार्स कम होते हैं, इसमें सिर्फ 2D ड्रॉइंग ही बनती है जिससे इसकी कॉस्ट भी कम होती है। ये कंपनी द्वारा सबसे पहले नवंबर 93 में रिलीज किया गया था। ऑटोडेस्क डेवलप्ड ऑटोकैड एलटी टू हैव एन एंट्री लेवल कैड पैकेज टू कंपीट इन द लोअर प्राइस लेवल। ऑटोकैड का जो फुल वर्जन होता है वो काफी कॉस्टली होता है, तो कंपनी ने मार्केट में एक कम पैसे वाला वर्जन लॉन्च किया जिसको ऑटोकैड एलटी वर्जन कहते हैं। और दूसरा होता है एक फुल वर्जन, एक ऑटोकैड का जो फुल वर्जन होता है वो एलटी वर्जन से काफी कॉस्टली होता है और ये फुल कैपेबिलिटीज के साथ मार्केट में बिकता है। ये शुरुआत से ही कंपनी लॉन्च कर रही है इसको 1982 से, पहले फुल वर्जन ही आता था। ऑटोडेस्क डेवलप्ड फुल वर्जन विद 2D एंड 3D ऑल फंक्शन वर्क विद दिस वर्जन। तो इसमें सारे टाइप के वर्जन जो कंपनी के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ऑटोडेस्क के ऑटोकैड उसमें सभी टाइप के फंक्शंस वर्क करते हैं, 2D और 3D मॉडलिंग पूरी तरीके से काम करते हैं, सारे कमांड्स टूल बार सारे फंक्शन काम करते हैं। तो ये होता है फुल वर्जन। अब हम देख लेते हैं कि ऑटोकैड के मेन स्क्रीन में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमको।
एक ऑटोकैड का मेन आइकॉन होता है जिसमें मेनू ब्राउजर होता है, एक रिवर पैलेट होता है, एक ड्राइंग पैनल होता है, इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ मेन स्क्रीन के, क्विक एक्सेस टूल बार होता है और कॉर्नर में जो एक्स वाई एक्सिस है वो ओरिजिन होता है, और एक कमांड पैलेट होता है नीचे में जिससे हम कमांड टाइप करते हैं, और नीचे एक स्टेटस बार होता है। एक इसका दूसरा इमेज और आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक मेनू बार है जो कि जिसमें लिखा है फाइल एडिट व्यू, ये वाला जो पैनल होता है उसको मेनू बार बोलते हैं। नीचे एक लेयर स्टेटस विंडो होता है जिसमें अलग अलग टाइप के लेयर हम बना के ड्राइंग करते हैं। दूसरा होता है टूल बार, बहुत सारे टूल बार्स होते हैं जैसे कि ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाइड टूल बार, डायमेंशन टूल बार। नीचे जो एक्स वाई एक्सिस जो ओरिजिन जिसको मैंने बताया था उसको यूसीएस आइकॉन बोलते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नीचे लेआउट के बटन्स होते हैं, तीन टाइप के लिखे हैं, मॉडल, लेआउट वन और लेआउट टू। और होता है कमांड प्रॉम्प्ट लाइन, कमांड पैलेट जिसमें कमांड टाइप करते हैं, और एक होता है स्टेटस लाइन। और जो प्लस साइन टाइप का जो बटन जो सेंटर में दिख रहा है जिसके सेंटर में एक बॉक्स बना होता है उसको ऑटोकैड का कर्सर कहते हैं, वैसा दिखता है वो कर्सर, प्लस प्लस साइन टाइप का रहता है और बीच में बॉक्स होता है। अब देख लेते हैं कि ऑटोकैड में कमांड्स को इनपुट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। इसके मैं ये तीन तरीके बता रहा हूं आपको, एक तो सीधे कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं शॉर्टकट की, जैसे कि लाइन के लिए एल होता है और इंटर करके सीधा सीधा कमांड देके हम लाइन बनाते हैं। दूसरा होता है ड्रा टूल बार से हम सीधा सीधा सेलेक्ट करते हैं लाइन कमांड और वहां से हम कोई भी कमांड को इनपुट दे सकते हैं। तीसरा होता है एक तो कमांड पैलेट, कमांड पैलेट में हम पूरे कमांड को लिखते हैं और उसके बाद उस कमांड को देने के बाद उस ऑब्जेक्ट या ड्राइंग को बनाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे कि एक्स और वाई जो हमारे स्क्रीन में दिखता है वो हमको कोऑर्डिनेट बताता है, और अगर एक्स वाई जेड तीन दिखाता है तो 3D मॉडलिंग की तरह काम करता है, और अगर एक्स वाई होता है तो वो सिर्फ 2D में काम करता है, 2D ड्राइंग में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक होता है UCS यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। द ऑटोकैड वर्ल्ड इज 3 डायमेंशनल, हाउएवर इफ यू वांट टू ड्रा 2D ऑब्जेक्ट सच एज अ प्लान और सेक्शन वी विल यूज ओनली 2 डायमेंशन एक्स एंड वाई। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द इमेजिनरी प्लेन दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, इट इज द डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो कि पहले से ही बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। अगर WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम कुछ मॉडिफाई करते हैं और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते हैं तो वो कहलाता है UCS जिसको बोलते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज द प्लेन दैट यू वर्क ऑन, इट इनेबल्स द यूजर टू ड्रॉ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ये 3D ड्रॉइंग भी बना सकते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। टू क्रिएट अ न्यू UCS टाइप UCS ऑन द कमांड विंडो देन से न्यू एंड स्पेसिफाई 3 मंथ ऑन योर न्यू UCS प्लान। तो हम UCS कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे लिए उसके लिए कमांड होता है UCS का और उसको स्पेसिफाई कर देंगे 3 पॉइंट के लिए, तो वो न्यू UCS प्लेन हमारे लिए क्रिएट कर देता है। ओके दोस्तों, तो आज के लेक्चर में इतना ही है पार्ट वन में, आगे के पार्ट टू और पार्ट थ्री में मैं आपको कमांड टूल बार और स्टेटस बार इन सब के बारे में बताऊंगा। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है ऑटोकैड के लिए, ये सबको पता होना चाहिए। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, सिविल के लिए जैसे या आर्किटेक्चर के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं, ये आपको बेसिक ऑटोकैड के इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर सीखने से पहले। तो दोस्तों धन्यवाद।